हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम हमने आपका जो कंपास सर्वे है, ठीक है, वो ख़त्म कर चुके थे। और मैंने आपको बोला था कि जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपके प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है, ये प्रॉपर उसी को डेडिकेटेड है। तो देखो, अब हम इतना पढ़ चुके हैं कि हम अब प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो ये बन रही है, ये पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, उनके सॉल्यूशंस के साथ। और हम फॉलो क्या करने वाले हैं कि हम पर्टिकुलर सर्वेइंग, जैसे हमने सर्वे पढ़ रहे हैं, तो हम सर्वेइंग के टॉपिक जहाँ तक हुआ होगा उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपको, क्योंकि हम JKSSBJEE, PSC हो, SSC हो, FCI हो, DMRC हो, RRB हो, JKSBDC हो या ISRO हो, ये तो सिर्फ नाम जो आए हैं वो लिखे हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया में जो भी AE और JEE लेवल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पर्टिकुलरली, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस, इसका फ़ायदा आपको उठाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा देखो आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे देखो, जो भी JEE का पेपर हुआ है आज तक, जो भी AE का पेपर हुआ है, उसका हर एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है, एक मार्क का जो क्वेश्चन होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा ये होगा कि अगर फ्यूचर में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप उसको विदाउट टाइम वेस्ट किए उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। और जिन बच्चों ने ये प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस नहीं किए होंगे, तो यकीन मानो वो आपसे दो कदम ऑलरेडी पीछे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ ही लिया ऑलरेडी, हम करने के बारे हैं सारे का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी JEE लेवल के हैं और पूरे इंडिया में, ठीक है। जो तो कुछ पेपरों के मैंने नाम लिख दिए हैं, पर पूरे इंडिया में जो आए हुए हैं पेपर्स, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है, मैक्सिमम शेयर करो और मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, क्योंकि लिए तभी हमें पता चल जाएगा कि हम और कितनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कितनी अच्छी चीज़ें आपके लिए ला सकते हैं। तो गाइस, काइंडली शेयर करो जो भी आपके इंजीनियरिंग ग्रुप्स हैं, और उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट। तो आप लोगों से ये है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला ये आपका कहाँ से है, आपका RRB का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ऊपर लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है, जैसे इस वीडियो में भी आपको हर स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली RRB का है, तो और डिस्कस करते हैं। आप चेक करती ही रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, यहाँ पे मैंने आपको भी आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए कि लोकल अट्रैक्शन जो होती है कंपास में, वो किस वजह से होती है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लोकल अट्रैक्शन का मतलब होता क्या है, कि ये जो कंपास है आपकी शो क्या करती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। और अगर उसके आसपास कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस पड़ा हो या कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हो, तो ये क्या होगी, कंपास जो होगी आपका ट्रू नॉर्थ शो नहीं करेगी, ये मैग्नेटिक नॉर्थ को शो करना कर देगी। तो उसी चीज़ को बोलते हैं आपकी लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन में अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ द नीडल, नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट, येस, मोस्ट रिलायबल जो आंसर होगा वो यही होगा। थर्ड ऑप्शन भी देख लो आपका, फ्रिक्शन ऑफ द नीडल एट द पाइवोट, नहीं ये नहीं होगा। इनकरेक्ट लेवलिंग ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। पाइवोट क्या होता है, यहाँ पे समझ लो, जिस चीज़ के ऊपर आपकी जो कंपास होती है वो रेस्ट करती है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को या उस पार्ट को बोलते हैं पाइवोट, ठीक है। तो सिंपली ये याद रखना आप। नेक्स्ट देखो, ये भी आपका RRBJEE का 2019 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप देखो, द जीरो ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास इज लोकेटेड एट, ठीक है। जिन्होंने वीडियो देखी हुई है इजिली आंसर देंगे, प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है, क्या होता था आपका, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। पहला क्वेश्चन इसके ऊपर क्या बनेगा, कि ये जो कंपास है ये कौन सी बेरिंग लेती है, होल सर्कल बेरिंग लेती है। और दूसरी चीज़ क्वेश्चन क्या बनेगा, होल सर्कल बेरिंग लेती है तो कैसे लेती है, क्लॉकवाइज लेती है। और थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर जो पूछा हुआ है कि जीरो कहाँ पे होता है, तो आप सबको पता है कहाँ पे होता है, साउथ एंड पे, 0, 90, 180, 270 और फर्दर 360। वैसे ही अगर यहाँ पे प्रिज्मेटिक के बजाय सर्वेयर कंपास होता, तो आपके ने बेरिंग किस में हो जाती है, आपकी रिड्यूस्ड बेरिंग हो जाती, ठीक है।
तो यही देखो क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेके एस पी डी सी जेई के 2018 वाला जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन द होल सर्कल बेरिंग सिस्टम द बेरिंग ऑफ अ लाइन इज ऑलवेज मेजर्ड, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ हुआ है पर अलग पेपर में है, एन ई एस डब्ल्यू, क्लॉकवाइज और नॉर्थ को रेफरेंस करके चलते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2018 जेके एस पी डी सी के जेई में पूछा गया है, न्यूमेरिकल है ये, द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 35 डिग्री, ठीक है। ये 35 डिग्री दिया हुआ है और 30 मिनट ईस्ट एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, वट इज़ द ट्रू बेरिंग ऑफ अ लाइन, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रू बेरिंग का फॉर्मूला क्या होता था, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा, अगर आपकी बेरिंग ईस्ट साइड हो जाए, ठीक है। अगर आपकी बेरिंग ईस्ट साइड होती थी तो जो आपका साइन यूज करते थे वो क्या करते थे, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस थीटा, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो सिंपली कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो कन्वर्जन जो होगी वो आपकी कैसे हो जाएगी, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट में लाई कर रहा है, ये एंगल आपको गिवन है, इसमें से निकालने के लिए क्या करोगे, 180 डिग्री में से 35 डिग्री और 30 मिनट को माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा 60, यहाँ कितना बचा है 179, 4 4, ठीक है, 44 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 44 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, सॉरी 144 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल था ये आपके पास निकल के आ गया। अब इस 144 डिग्री 30 मिनट में आपको ऐड क्या करना है, 4 10, ये कितना हो जाएगा 148, ठीक है, 148 डिग्री और 40 मिनट, ठीक है। पर आपको आंसर किस में देना था, आपको क्वाड्रेंटल में, तो इसको क्या कर लोगे आप, 180 में से, ठीक है, यहाँ करके लिख देता हूँ, 180 में से 148 40 मिनट को माइनस करोगे, यहाँ पे कैरी जाएगी 60 मिनट की, यहाँ क्या रह जाएगा 179, ये कितना हो गया 29 में से 8 के कितना हो जाएगा आपका 17 में से 4 के कितना हो जाएगा आपका 3, तो 31 डिग्री 20 मिनट, और क्वाड्रेंट साउथ ईस्ट, इसीलिए क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जिसने जेके एस पी डी सी का पेपर दिया था उसको ये क्वेश्चन पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेके एस पी डी सी का ही क्वेश्चन है पर पेपर अब कौन सा है, 2012 का है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि क्वाड्रेंटल बेरिंग जो है लाइन की वो इतनी गिवन है, नॉर्थ 250 डिग्री वेस्ट देन द होल सर्कल बेरिंग, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ लाई किया, यहाँ पे किया, ठीक है, और 250 डिग्री वेस्ट देन द होल सर्कल बेरिंग आपकी पूछी गई है, ठीक है। तो 250 डिग्री वेस्ट, ठीक है गाइज, ये 25 होना चाहिए, ये 250 नहीं होगा, ये 25 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको ये गिवन है और आपको ये निकालना है, ठीक है। तो 360 में से ये माइनस कर दोगे आप सिंपली, 360 में से 25 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 523, 335, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है गाइज, इसको ठीक कर लेना आप जब सॉल्व करोगे, ये नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखो अब जेके एस एस बी 2013 और 14 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। परमानेंट एडजस्टमेंट तो सबसे पहले टेम्परेरी एडजस्टमेंट देख लो, कंपास की कौन कौन सी होती थी, सेंटरिंग, ठीक है, लेवलिंग और फोकसिंग होती थी, ये कौन सी होती थी आपकी, टेम्परेरी, ठीक है। परमानेंट एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती थी, मैंने आपको बताया था, जब आपकी जो नीडल होती है उसकी स्ट्रेटनिंग करनी हो, ठीक है, या जो आपके
जहाँ से आप देखते हो ये जो थ्रेड होता है आपका, ठीक है, जो मेन थ्रेड होता है, ये अगर आपका क्या हो, अनडिसलोकेट हो जाए, इसको स्ट्रेट करना हो, और वैसे ही जो आपका वर्टिकल पाइवोट एक्सिस है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, ये होता है एक पाइवोट, इसके ऊपर रेस्ट करती है आपकी कंपास, और ये एक्सिस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपको करनी पड़ती है परमानेंट एडजस्टमेंट। तो एक ही ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर से क्वेश्चन नंबर 2013 या 14 में से एक में आया हुआ है, जेके एस एस बी जेई में। वट शेल बी द बैक बेरिंग ऑफ अ लाइन इफ द फोर बेरिंग ऑफ अ लाइन इज, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगा लो यार, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको क्या निकालना है, बैक बेरिंग निकालनी है, तो बैक बेरिंग माइनस 280 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यही हो जाएगा। तो सिंपल माइनस करना है, अब आपको 280 में से 180 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बड़ी थी तो इसलिए फॉर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग लगा लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 280 माइनस बैक बेरिंग कर लो इज इक्वल टू 180, तो बैक बेरिंग यहाँ से जब ये माइनस होगा तो वो कितना आ जाएगा आपका, 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच वाइल मेजरिंग लीनियर डिस्टेंस विद अ टेप बाय अप्लाइंग नॉर्मल टेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन इज ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई। तो मैंने आपको क्या बताया था जब हमने पढ़ा था आपकी नॉर्मल टेंशन क्या होती है, कि आप ऐसी टेंशन अप्लाई करो, ठीक है, या आप ऐसी पुल अप्लाई करो जिसकी वजह से आपकी सैग जो है नॉर्मलाइज हो जाए। तो जब आपकी नॉर्मल टेंशन यहाँ पे भी यूज होगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, करेक्शन ड्यू टू सैग और जो पुल है वो रेक्टिफाई हो जाएंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर से जेके एस एस बी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट या सॉरी विच ऑफ दीज इज यूज मेजरमेंट ऑफ अ बेस लाइन किससे करते हो, इन वार टेप। इन वार टेप क्या होती है, आपसे सबसे बेस्ट टेप माना जाता है, दो से बनती है ये, एक निकल से बनती है और एक स्टील से बनती है, और इससे हम आपकी बेस लाइन जो मेजरमेंट होती है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से जेके एस एस बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लीस्ट काउंट पे पूछा गया है कि लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है, सिंपली पहले तो यहाँ से याद कर लो, एस बाय एन, एस क्या होता था जो आपका मेन स्केल होता था उस पर रीडिंग, और एन क्या होती थी आपकी नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो देखो यहाँ पे सीधे ऑप्शन टिक करना है आपको, फोर्थ वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल एस की, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एन, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, एस क्या हो जाता था प्राइमरी स्केल की डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते थे, आप थर्ड को टिक कर सकते हैं, अगर आप जल्दबाजी में नहीं आंसर देना चाहते हो तो हमेशा पढ़ के देना, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, थर्ड गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से जेके एस एस बी का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग क्या होता है, होल टू पार्ट। अगर प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मेजरमेंट पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे, ट्राइंगुलेशन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लिंक्स आर रिकमेंडेड इन 20 मीटर चेन, ठीक है, 20 मीटर चेन में लिंक्स कितने होते हैं, 100, ठीक है, सिंपल सी रही है, 30 मीटर चेन के लिंक्स कितने होते हैं आपके, 150 निकालना आपको आता है। 20 मीटर चेन को सेंटीमीटर में करना हो, क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, एक लिंक की लेंथ कितनी होती है 20 सेंटीमीटर, पीछे कितना बचा, 100, ठीक है। हाँ, इस बार ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कोड कौन सा होता है, तो IS 1492, ठीक है, हर एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फिर से आपका ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है, जेके एस एस बी में पूछा गया है, नमेरिकल है और बेसिक नमेरिकल है, जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ वो यहाँ पे देख लेना। स्लोप करेक्शन निकालने के लिए बोला हुआ है 60 मीटर के लिए और ग्रेडियंट गिवन, ठीक है, ये आपकी लेंथ जो है ये गिवन दी हुई है 60 मीटर, ये स्लोप आपकी गिवन है 1 in 20। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 20 कदम आगे चलते हो तो 1 आप ऊपर जा रहे हो। मुझे ये बताओ, आप थीटा निकाल सकते हो, ठीक है, अगर मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाए, ठीक है, इस लेंथ को मैं डी मान के चलता हूँ, और इस डी की जब प्रोजेक्शन मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, जो हमने पढ़ा था, ये आ गया डी, ठीक है, तो जब मैं 60
माइनस डी करूंगा तो मेरे पास फ्रैक्शन आ जाएगी, मुझे डी निकालना है, और डी निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एल कॉस थीटा। आपको याद हो जब हमने अनइवन ग्राउंड के लिए पढ़ा था, ठीक है, एल तो मेरे पास है, ठीक है, फॉर्मूले में एल मेरे पास 60 है, मुझे गिवन है, थीटा निकालना है। तो सबसे पहले थीटा देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्लोप कैसे मैं निकाल सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/20, या थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स ऑफ 1/20। तो जो भी थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो आप कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, यहाँ पे 60, यहाँ से आपका डी निकल जाएगा, और 60 में से डी जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, जिसको सॉल्व करना, और जो भी बच्चे सॉल्व करेंगे उनको मैं काम दे रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि ये वीडियो मेरे को आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, आप लोगों को ये फ़ायदा चाहिए या नहीं चाहिए, तो कमेंट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके डाल देना। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो अपनी नोटबुक की पिक्चर खींच के वहाँ पे डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक न्यूमेरिकल है, वट शेल बी द क्वाड्रेंटल बेरिंग इफ द होल सर्कल बेरिंग इज दिस, ठीक है, फटाफट निकालना है। मैंने आपको बोला था डायग्राम हमेशा बनाना, कोई इशू नहीं है। 112 डिग्री यहाँ लाई करेगा, ये रहा 112 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेंट चूज करो, क्योंकि लिए पहले तो क्वाड्रेंट चूज करने में ही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट ये है साउथ ईस्ट, जिसके पास हो साउथ ईस्ट, एक बार ऑप्शन चेक करो, आपको एक ही क्वाड्रेंट मिल रहा है साउथ ईस्ट, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, आपका आंसर तो आप सीधे ही निकाल दिया। हाँ चलो फिर भी निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 में से 12 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 2 के कितना हो जाएगा आपका 8, और 7 में से 1 के 6, तो साउथ 68 डिग्री ईस्ट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट JKSSB ही चल रहा है, काफ़ी क्वेश्चन है अभी तो। एन ओल्ड टाइप ऑफ सर्वे चेन 66 फीट, 66 फीट वो चेन जिसकी लेंथ जो हो वो 66 फीट होती है, और जो नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं वो 100 होती है, वो चेन कौन सी होती है, गंटर्स चेन, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी JKSSB में ही आया हुआ है, JEE में, और ये काफ़ी बच्चे देखना गलत कर देंगे। ये क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल एक्सेस डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ जियोडेटिक ट्राइंगल एंड मे बी इग्नोर्ड, ठीक है। आप लोगों को हमने याद है ये चीज़ पढ़ी थी, अगर आप नॉर्मल ट्राइंगुलेशन करते हो, इस तरीके की ट्राइंगल का यूज़ करते हो जिसका सम ऑफ एंगल जो है वो कितना ले लोगे आप, 180 डिग्री, इस सर्वे को क्या बोलते थे, प्लेन सर्वे, वो सर्वे जिसमें आप प्रॉपर अर्थ की सर्कर्वेचर को कंसीडर करते हो, उसका सम ऑफ एंगल लेते थे 180 प्लस 1 सेकेंड, ये कौन सी होती थी, जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि जियोडेटिक सर्वे करते समय अगर जो आपकी ये स्फेरिकल एक्सेस है, ठीक है, ये जो जियोडेटिक सर्वे करते समय ये जो आपकी लेंथ, ये जो स्फेरिकल आ रही है, अगर ये 3.5 किलोमीटर से कम होती है तो हम ये जो एक्सेस होता है इसको इग्नोर कर देते हैं, तो यही आंसर है आपका 3.5 किलोमीटर। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, और काफ़ी सारे पेपरों में ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से JKSSB का क्वेश्चन है, पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है कि एक चेन है या एक टेप है जिसकी लेंथ एल है, वेट डब्ल्यू है, पी पुल है, तो बताओ करेक्शन क्या होती है। तो फॉर्मूला आप सबको पता है, अगर टोटल वेट गिवन हो कैपिटल डब्ल्यू तो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, एल डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 पी स्केयर, जिसमें पी क्या होता है आपका पुल, एल क्या होती है चेन की लेंथ, डब्ल्यू क्या होता है वेट ऑफ टेप, तो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, हाँ यही मैंने आपको टोटली करवाया हुआ है नोट्स में, जो मैंने आपको पढ़ाया था तो बिल्कुल डिटेल में बताया था हर एक के लिए। तो देखो हो रहा है कि अंडरग्राउंड मैप जब आप ड्रॉ करते हो तो किस स्केल में करते हो, 1 in 500 के, ठीक है, स्टैंडर्ड है ये, तो याद रखनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आपको बोला होता किसी हिल के लिए तो क्या आंसर दे देते, 1 in 250, मैंने आपको वहाँ पे भी बोला था कि ये क्वेश्चन JKSSB में पूछे गए हैं। नेक्स्ट फिर से JKSSB का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, याद है मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था कि हम
चेन को स्टैंडर्ड चेक करते हैं, ऐसे दो ब्लॉक्स बनाए होते हैं और हर एक पर्टिकुलर चेन को वहाँ जाके ऐसे चेक किया जाता है। जैसे अगर ये जो दो ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो है 30 मीटर, और आपकी ये जो चेन है इसको रोज़ चेक किया जाता है कि ये छोटी होगी या बड़ी होगी। तो अगर तो ये 30 मीटर की बात करते हो, तो अगर ये +8 mm बड़ी हो जाए या -8 mm छोटी हो जाए तो वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। वैसे ही कमेंट बॉक्स में बताओ कि 20 मीटर वाली अगर चेन होती तो आंसर क्या देते, और अगर आपकी 5 या 10 मीटर वाली चेन होती तो आंसर क्या देते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से आपके JKSSB का क्वेश्चन है, द कंपास विच मेजर द क्वाड्रेंटल बेरिंग। ठीक है, सोचना भी नहीं है, सर्वेयर कंपास। ठीक है, होल सर्कल बेरिंग अगर होती तो आंसर क्या दे देते, प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी JKSSB का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि बताओ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि स्लोपिंग ग्राउंड का अगर एंगल फाइंड करना हो तो किससे करते हैं, क्लिनोमीटर से करते हैं, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, अब देखिए, अब आपके JKPSC AE के 2019 सॉरी 2009 के पेपर में, ठीक है, आपके जो AE का पेपर हुआ था 2009, और जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक के जो क्वेश्चन हैं हम सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सब्सिडेंस बार सिस्टम इज जनरली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंसिस इन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे का है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडुलेटिंग एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन द प्रिसीजन ऑफ द थियोडोलाइट इज अफेक्टेड बाय। ठीक है, जो आपकी थियोडोलाइट होती है, ठीक है, इसकी प्रिसीजन कैसे अफेक्ट होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिस्टमेटिक लीनियर एरर्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है और देखिए समझिएगा, सिस्टमेटिक एरर्स कौन से होते हैं, जो अगर एक डायरेक्शन में आए तो अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव आते जाएंगे, नेगेटिव आए तो नेगेटिव आते जाएंगे। एक्सीडेंटल एरर्स हो रहे थे कि जो किसी डायरेक्शन में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और अगली डायरेक्शन में नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जो आपकी थियोडोलाइट की जो प्रिसीजन होती है वो किससे अफेक्ट होती है, सिस्टमेटिक से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सब्सिडरी लाइन कौन सी होती है, टाई लाइन होती है। मैंने आपको बोला था जो आपके सर्वे की जो आउटर लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेन सर्वे लाइंस। ठीक है, इन मेन सर्वे लाइंस में जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो बेस लाइन। ठीक है, जो आपकी एक्यूरेसी चेक करती है वो चेक लाइन, और जो आपके सब्सिडरी स्टेशन को कनेक्ट करती है वो टाई लाइन। ठीक है, नेक्स्ट एगोनिक लाइंस। ठीक है, एगोनिक लाइंस कौन सी होती थी, जो आपकी जीरो डिक्लिनेशन को ज्वाइन करती हैं। और वैसे ही अगर पूछा हो आइसोगोनिक लाइंस कौन सी होती हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। नेक्स्ट, इनवार टेप इज मेड अप ऑफ, अभी डिस्कस किया पीछे, निकल एंड स्टील। अब इन दोनों की परसेंटेज कितनी होती है वो कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। ठीक है, चेक कर रहा हूँ मैं कौन कौन कमेंट में आंसर डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए 20 मीटर चेन डाइवर्ट्स ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम इट्स करेक्ट अलाइनमेंट, द एरर इन लेंथ इज। ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है, होम सॉल्व। आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, पर ये आप बताएंगे कि निकाला कैसे है। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं वो इसका सोल्यूशन पोस्ट कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही इसका सोल्यूशन निकाल के पोस्ट कीजिए। देखो, सारा कुछ अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है, तो देखिए, ये कुछ मुट्ठी भर क्वेश्चन हैं जो हमने अभी किए हैं। ठीक है, देखो 27 क्वेश्चन किए हैं, जो कुछ ही अभी टॉपिक्स में से मैंने उठाए हैं, जैसे कि JKSSB के पेपर में से उठाया, अभी AE के एक पेपर में से उठाया, RRB के पेपर से उठा लिया, और JKSPDC के पेपर में से उठा लिया। तो अभी बहुत क्वेश्चन हैं जो अभी करने हैं, तो ये वीडियोस कंटिन्यू रखने के लिए आप लोगों को इसको शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।